बाबा फार्मिंग में आपका स्वागत है। आपको ले चलते हैं कैसे प्रगतिशील किसान से जिनका नाम अपने जिला में काफी है। तो दीपक जी नमस्कार, आपका काफी नाम सुना हूँ कि आप खेती में बहुत उन्नत काम कर रहे हैं, अच्छा फायदा कमा रहे हैं, तो आप अपने बारे में थोड़ा परिचय बताएं। आपको नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आपको दर्शकों का नमस्कार जो इतना अमूल्य समय निकाल कर मेरे पास आए, इसके लिए आपको धन्यवाद। मैं दीपक कुमार ग्राम देवपुरा बिहार शरीफ ललंदा के निवासी हूँ। जो मेरे खेती के बारे में आप जानकारी लेने आए, जो मैं आप सब किसान से हटकर मैं जैविक खेती करने के लिए जैविक खेती कर रहा हूँ। तो दीपक जी आप अपने खेती को थोड़ा सा दिखाई कि आप खेती में क्या लगाए हुए हैं। अभी मेरा पास 1 बीघा आलू, 5 बीघा गेहूँ और 10 कट्ठे लग सरसों, कुछ चना और कुछ मसूर है। मसूर है। तो अभी आपका खेती में थोड़ा सा देखते हैं, आपका ये गेहूँ जो लगाए हुए हैं ये जैविक तरीके से बोया हुआ गेहूँ है? जैविक का है। तो दीपक सर आप ये बताइए अपने बारे में कि जैविक खेती का प्रशिक्षण या जानकारी आपको कहाँ से मिला है? कृषि विज्ञान केंद्र हरनौत। तो कृषि विज्ञान केंद्र हरनौत से आपने जैविक खेती के बारे में प्रशिक्षण लिया है। तो जैविक खाद आप कैसे बनाते हैं? जो ये पेड़ का पत्ते गिरते हैं, मेरे पास 2 गाय है, अच्छा कुछ बकरी है, अच्छा उसका गोबर का घर का जो कचरा है वो सारा साग सब्जी का है, अच्छा उसको खाद में बनाते हैं और उसी का इस्तेमाल करते हैं जी। तो इसका जो फसल होता है आपका गेहूं वगैरह, तो इसका तो अच्छा रेट आजकल मिल रहा है मार्केट में? हाँ मिल रहा है और सब किसान से बढ़ के मिल रहा है। तो इसको ये बताइए दीपक जी कि इसको बेचने में आपको कोई समस्या नहीं आता है? नहीं समस्या ना, जो जानकार आदमी है वो पहले हमारे पास ऑर्डर देते हैं कि मेरे को ये फसल दे दो। अच्छा अच्छा। तो दीपक जी आपका तो हाथों हाथ है, इसका मतलब बिक जाता है। हाँ। तो जो किसान ले जाते हैं या जो खाने वाले ले जाते हैं आपका गेहूँ सरसों आलू, वो क्या दे रहे हैं इसका रिपोर्ट की कैसा है? अभी तो अच्छे रिपोर्ट दे रहे हैं, इसलिए कि केमिकल नाम का चीज़ नहीं है। इस्तेमाल रासायनिक खाद आप इस्तेमाल नहीं करते? नहीं कर रहे हैं। अच्छा दीपक जी। अच्छा और क्या ऐसा खेती के साथ आप एक्स्ट्रा कर रहे हैं जो आप इतना अधिक इनकम ले रहे हैं? इसके साथ मैं वन विभाग से जुड़ा था। हाँ हाँ। उसको लिए कृषि वाहनी पॉपुलर है मेरा पास। अच्छा थोड़ा दिखाइए आपका वृक्ष कैसा है पॉपुलर। ये पूरा एक खेती आप ही का है क्या? जी एक लाइन से जो पूरा पेड़ लगाए हुए है। तो क्या ऐसे इसका क्या है इसका पॉपुलर का खेती के बारे में बताइए। हाँ दीपक जी आप पॉपुलर का जो पेड़ है आप इसको मेड़ पर लगाए हुए हैं, तो आप ये बताइए कि मेड़ पर लगाने का क्या फायदा है? मेड़ पर लगाने से है क्या, कृषि वाहनी के तहत है, इससे आपका फसल का नहीं नुकसान होगा और पॉपुलर जो है इससे छाया नहीं आपको होगा, आप पेड़ भी तैयार हो जाएगा। जी 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 जी। तो मैंने इसका कहने का मतलब है कि खेती का खेती और पेड़ का पेड़, यानी इसको हम दूसरे भाषा में ये कहें कि आम का आम और गुठली का दाम। हाँ। तो आप डबल फायदा ले रहे हैं जी। तो ये बताइए कि ये वृक्ष जो है ये मोटा जो इतना हो गया है, कितना पहले आप इस वृक्ष को लगाए थे? 2016 का एस्टीमेट में है, यानी 3 साल में ये पेड़ करीब करीब 14 इंच 15 इंच मोटा हो चुका है जी। तो ये पेड़ कितना समय लेता है कटने के लिए? 6 से 7 साल। 6 से 7 साल में पेड़ कट जाता है जी। इसका दीपक जी बताइए कि पेड़ कटने के बाद इससे बनता क्या है? प्लाईवुड इसी लकड़ी का बनता है इसका? ठीक है ठीक है। तो दीपक जी आप ये बताइए कि प्लाईवुड के अलावा जी। और इसका जो डाली छाटते हैं इसका इस्तेमाल आप क्या करते हैं? किसानों लोग का फ्री में अष्टम पौधा के लिए देते हैं, जो बचता है वो घरेलू जारन में ले आते हैं यूज में। किसान को माने नर्सरी में देते हैं? हाँ, मुफ्त में देते हैं। मुफ्त में, वो भी दिसंबर जनवरी या फरवरी तक, माने 3 महीना में जो किसान आपसे मिलाप करते हैं तो उसको आप मुफ्त में नर्सरी देते हैं जी। और जो आपका डाली बच जाता है वो आपका घरेलू माने इस्तेमाल कर लेते हैं जलावन वाला, जलावन के लिए। तो आपको तो बहुत फायदा है दीपक जी। जी तो ये बताइए कि दीपक जी जो किसान को आप देते हैं अष्टम वगैरह उससे, तो कुछ किसान आपके यहाँ से लेके गए होंगे? जी जी। कहाँ कहाँ तक भेज दिए हैं? इधर शेखपुरा का किसान मेरे पास से 2-3 ले गए हैं। अच्छा। अस्थामा के हैं। अस्थामा के हैं।
इधर भागन बिघा मेरा लोकल पड़ता है, वो दो तीन किसान जुड़े हुए हैं। यानी आप जिला और जिला के आसपास के जिला को आप दे चुके हैं? अभी फिलहाल दो दिन पहले रहुई मार्केट का ले गया है एक आदमी। अच्छा, रहुई मार्केट में भी आपने दिया है जी। तो काफी नाम है दीपक जी आपका जी, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और गांव का समझिए कि आप मोटिवेट कर रहे हैं कि इसके प्रति। तो आप गाँव क्या सर, रहुई प्रखंड नहीं, जिला में मैं तीसरा नंबर पर हूँ। जिला में आप तीसरा नंबर पर हैं, तो माने आप सही में कमाल के आदमी हैं और लाजवाब इंसान हैं। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसी तरह से आप दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति करें दीपक जी, और आपका धन्यवाद दीपक जी। आपको भी धन्यवाद।